हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली न्यूज़ यार इक्का की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों इक्का का जो सॉन्ग आने वाला था यार अकेले के साथ में, जिसका नाम था गद्दार, तो यार उसकी रिलीजिंग डेट पता चल चुकी है। तो वो 25 सितंबर को आउट होने वाला है, तो आप लोग वेट कर सकते हो यार अकेले के साथ। ये आप लोग फोटो भी देख सकते हो, तो आने वाला है यार 3-4 दिन है, वेट कर लो। और इक्का से रिलेटेड एक और न्यूज़ है यार। इक्का ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला, 4 ताबड़तोड़ गाने बन चुके हैं, बैक टू बैक फेंके जाएंगे, #इक्का सीज़न #कमिंग सून। तो दोस्तों इससे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इक्का सीज़न आने वाला है यार। तो इक्का के 4 गाने आने वाले हैं, मतलब जो इक्का एक साल में सिर्फ 3 से 4 गाने निकालते हैं, वो एक बार में 4 गाने ड्रॉप करने वाले बैक टू बैक। और इक्का ने इतना बताया, तो जल्दी से पोस्टर भी आउट कर देंगे उनके पहले सॉन्ग का, तो जब भी आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगली न्यूज़ ओम प्रकाश मिश्रा की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों ओम प्रकाश मिश्रा का मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि डिस्ट्रैक आने वाला है, तो डिस्ट्रैक का जो नेम है वो है डैडी, और ये होएगा यार कृष्णा के अगेंस्ट में, क्योंकि अभी जो ओम प्रकाश मिश्रा है वो एमिवे के साइड में, और कृष्णा को डिस करने वाला है गंदा वाला। उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया, आप लोग जाके देख सकते हो, उनके चैनल पर अवेलेबल है। बहुत लंबा वीडियो था और बहुत कुछ कहा है उसमें कृष्णा को, तो उन्हीं के अगेंस्ट में आएगा ये डिस वीडियो। तो देखते हैं यार कैसा होगा इनका सॉन्ग, और कहना तो है इनका कि बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो अगली न्यूज़ यार गानों की तरफ से आ रही है। तो पहला गाना जो उसका नाम है बहुत सॉफ्ट बाय MC हीम, और ये वाला गाना है यार मुंबई के रैपर्स के लिए डिस है, सबके लिए, किसी एक बंदे के लिए नहीं है। और मुंबई में जो सीन चल रहा है यार रैपिंग में सिर्फ स्लैंग्स यूज़ करते हैं, तो उसी के ऊपर डिस मारा है यार MC हीम ने। और फ्लो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लिरिक्स भी अच्छे हैं, उस लेवल के अच्छे नहीं है पर अच्छे हैं, फ्लो मुझे बहुत यूनिक लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग जाके सुन सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला गाना जो उसका नाम है बबल कार्स बाय द सेज, और ये वाला गाना भी मुझे अच्छा लगा, फ्लो बहुत ही अच्छा है, और वही सेम चीज़ यार लिरिक्स थोड़े से वीक आ रहे हैं, बाकी फ्लो में वो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, पर जो कोरस है उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि लिरिक्स थोड़े से वीक आ रहे हैं। तो जाके सुन लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है इस गाने के बारे में, वीडियो बहुत ही अच्छा है। और अगला गाना जो उसका नाम है फटके बाय नेजी, और नेजी के लिए मैं ऐसा कभी नहीं कहना चाहता था पर अभी कहना पड़ रहा है यार, इस गाने के लिरिक्स बहुत वीक है यार। और सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, ये गाने के कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही भरा है कि यार लिरिक्स बहुत वीक जा रहे हैं यार नेजी के दिन ब दिन। और कुछ दिनों पहले एक और गाना आया था नेजी का वहम, और उसके भी लिरिक्स बहुत डाउन थे यार। तो लोगों का कहना है कि यार लिरिक्स पे काम करना पड़ेगा नेजी को, और ये वो वाले नेजी नहीं है जो 3-4 साल पहले गाने निकालते थे यार आफत तहलका और रास्ते कठिन, तो यार उस टाइप के कोई गाना नहीं है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा गाना होगा, मुझे पसंद आया पर पता नहीं लिरिक्स लोगों को क्यों नहीं पसंद आया। तो देखते हैं यार, नेजी ने कमेंट्स तो पढ़े ही होंगे, तो आगे क्या स्टेप लेते नेजी मैं बता दूंगा आगे के वीडियोज़ में। तो अगला गाना जिसका नाम है सोच बस संजय, और ये फ्री वर्स है यार, आप लोग जाके सुन सकते हो, ज़्यादा राइमिंग नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस गाने के बारे में कहने के लिए, तो जाके सुनो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और आपका भी कोई सा रैप सॉन्ग है तो नीचे आप लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं उनको प्रमोट कर दूंगा अपने वीडियोज़ में। और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी है तो उसको भी प्रेस कर दो, पड़ोस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।